अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू कुकिंग विद जीए। आज हम बनाएंगे लौकी का हलवा। हमने दो लौकी ले ली है, इन्हें छील लिया है, इन्हें अच्छे से वॉश भी कर लिया है। अब पहले हम इनके छोटे पीस बना लेंगे जिससे घिसने में आसानी है। हमने लौकी को कट कर लिया है, अब हम इसको घिसना शुरू करेंगे। मैंने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है, कद्दूकस लिया है, हम इधर साइड से लौकी को घिसना शुरू करेंगे। हम लौकी की बस ये ऊपर की साइड घिसेंगे, ये अंदर का हमें पार्ट नहीं लेना है हलवे के लिए। तो आप सही से घिसें कि अंदर का पार्ट नहीं आए। हमने लौकी को ग्रेट कर लिया है, घिस के इसको तैयार कर लिया है। इसका ये पार्ट आप देख सकते हैं, ये अंदर का पार्ट हमने नहीं घिसा है। आपको ऐसे ही लौकी घिसनी है, बस इसका ऊपर का ये ग्रीन वाला पार्ट लेना है। अब हम इसको वॉश कर लेंगे और अच्छे से इसका पानी निचोड़। लौकी को घिस लिया हमने, इसके बस ऊपर की साइड घिसी, आप देख सकते हैं ये अंदर का पूरा रह गया। इसी तरह से घिसें, अंदर का साइड इसका नहीं लें, बस ऊपर का ग्रीन पार्ट ही यूज़ करें हलवे के लिए। उससे हलवा खाने में भी अच्छा लगता है। हमने लौकी को धो के अच्छे से इसका पानी निचोड़ दिया है, आप देख सकते हैं। ऐसे ही आपको हाथ से दबा के इसका पानी निचोड़ना है, वरना इसमें पानी बहुत छुटेगा और इसको हलवे को बनने में देर लगेगी। इसलिए आप इसका पानी अच्छे से सुखा दे धोने के बाद। हमने एक कढ़ाई ली है, इसमें मैंने ये 3 चम्मच देसी घी डाल दिया है। अब हम इसमें सफ़ेद इलायची डाल देंगे। सफ़ेद इलायची डालने के बाद ये जो लौकी हमने रखी थी धो के, इसको डाल देंगे। इसको डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से चला लें। हमें इसको 5-7 मिनट तक ऐसे ही घी में भूनना है, जिससे इसका पानी छूट के थोड़ा सा खुशक हो जाए। उसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करें। हमें लौकी को भूनते हुए 5 मिनट हो गए हैं। ये हमारी लौकी अच्छे से हो गई है 5 मिनट में, लेकिन हमने इसको लो फ्लेम पर भूना है। आप भी ध्यान रखें, इसको लो ही फ्लेम पर भूने, वरना लौकी जल जाएगी। अब इसमें मैं ये 1/2 लीटर दूध ऐड कर दूँगी। दूध आप गर्म भी डाल सकते हैं, ठंडा भी डाल सकते हैं, आपके ऊपर है। मैंने इसमें दूध डाल दिया है। अब इसको हमें दूध को बिल्कुल खुशक करना है, जब तक हम पकाएंगे जब तक इसका दूध खुशक नहीं हो जाए। आप बीच बीच में इसको चलाते रहें ताकि ये तली पे चिपके नहीं। मैंने कच्चा दूध यूज़ करा है, आप चाहें तो उबला हुआ भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको पकने देंगे, लेकिन इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। हमें 1/2 घंटा हो गया है हलवे को चलाते हुए। हमने इसका सारा दूध खुशक कर दिया है अच्छे से। मीडियम गैस पे हमने इसको चलाया है। आप भी मीडियम ही गैस रखें, वरना हलवा जल जाएगा। अब हम इसमें ये घर के दूध की मलाई, मैंने 1 प्याला ये मलाई ली है, अब ये इसमें ऐड कर देंगे और फिर इसको अच्छे से चला लेंगे। आप इस तरीके से एक बार हलवा बना के ज़रूर खाएं, आपको बेहद पसंद। हमने अभी फ्लेम को फुल रखा है, हम इसको अच्छे से चला लेंगे। जब ये खुशक होने वाला होगा तब आप फ्लेम लो कर दें और इसको अच्छे से खुशक कर दें। हमने इसे मलाई डाल के इसको अच्छे से खुशक कर लिया है। अगर आप चाहें तो आप इसको बिल्कुल ही खुशक रख सकते हैं, लेकिन ये ऐसे खाने में ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप एक बार इसको ऐसे ज़रूर बनाएं और इसकी साइड साथ ही साथ साफ करते रहें, वरना ये दूध यहाँ पे जल जाता है। अब हम इसमें 1 प्याली चीनी ऐड कर देंगे। मैंने ये 1 प्याली चीनी ऐड कर दी है। अब हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसका चीनी का पानी खुशक होने तक इसको पका लेंगे। तब तक हमारा हलवा बनके फिर तैयार हो जाएगा। हमारा हलवा बनके तैयार हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा नारियल, थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू और ये थोड़ी सी चिरौंजी, खरबूजे की नींक, सारी चीज़ों को डाल के मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर दी हमने सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हमारा हलवा बनके तैयार है। आप एक बार इस तरीके से हलवा बना के ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। हमारा हलवा बनके तैयार है। आप इसे ठंडा करके खाएं, खाने में बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है। अगर आप चाहें तो आप इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं ग्रीन, लेकिन मैंने ग्रीन कलर इसमें ऐड नहीं किया है।
आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर करें, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।